प्रभारी मंत्री की समीक्षा बैठक जनपद कासगंज के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा को पूरा करें और शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ पात्रों तक पहुँचाए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 2 घंटे तक चली समीक्षा बैठक में विधायक पटियाली ममतेश शाक्य, विधायक कासगंज देवेंद्र राजपूत, डीएम आरपी सिंह, एडीएम योगेंद्र कुमार, सीएमओ, एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंत्री सुरेश पासी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिद्धपुरा में एक घर के ऊपर विद्युत तार है। कुछ दिन पूर्व तार टूटने से उस ग्रामीण की 2 भैंसे मर चुकी हैं। रात को फिर तार टूटा है। कोई अनहोनी होने से पहले तत्काल उस घर के ऊपर से तार हटवा दें। जो किसान फसल ऋण मोचन योजना से वंचित रह गए हैं उनकी सूची बना लें। उपनिदेशक कृषि 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कासगंज में बैठना सुनिश्चित करें। विधायक पटियाली ने बताया कि जो एनजीओ सब सेंटरों पर पोषाहार देता है वह कहीं कम और कहीं ज्यादा वितरण करता है, इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाए। बैठक में जन शिकायतों एवं वादों के निस्तारण, आईजीआरएसए चिकित्सकों की कमी, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था, विधवाएं, दिव्यांग जन पेंशन वितरण, सामूहिक विवाह योजनाएं, महिला हेल्पलाइन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गन्ना भुगतान, फसल ऋण मोचन योजनाएं, फसल बीमा योजनाएं, आवास योजना सहित सभी बिंदुओं की विस्तार से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। निर्देश ये दिए गए कि जैसे अभी जो जल निगम विभाग है उसमें से 3-4 जगह जल की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसमें निर्देशित किया गया है कि इसको 1 महीने के अंदर सही किया जाए। जो श्रम विभाग है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि लेबरों का कैंप जो है ब्लॉक स्तर पर लगाया जाए, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि और मीडिया के बंधु भी रहें जिससे लेबरों को लाभ मिल सके। और जो पेंशन के हैं उनके लिए आदेशित किया गया है कि हर ब्लॉक में कैंप लगाया जाए और सूचना पहले से दे दिया जाए कि लोग अपने आय और जाति प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें, उनको वहाँ कोई किसी तरह की समस्या ना हो। कृषि विभाग में खाद की जो उपलब्धता है वो लोगों को समय से मिलती रहे। गन्ने का भुगतान पिछले वर्ष का पूरा हो गया है, आगे जो भी बकाया हो वो भी समय से होता रहे, तो सारे विभागों को निर्देश किया गया है।